हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड में इरेशनल प्रूव किया था कि क्या एज्यूम करके चले थे कि हम कि जो ये नंबर है ये कैसा है, रैशनल है, और फिर अपनी ही बात को हमने गलत प्रूव कर दिया था तो इसे क्या बना दिया था, इरेशनल। तो सेम इसी में हम ये करेंगे। स्टेटमेंट हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि 1/√2 है कैसा है, इरेशनल। तो सेम लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल। क्या लेके चलेंगे हम इसे, रैशनल लेके चलेंगे। अगर रैशनल लेके चलेंगे तो 1/√2 किसके इक्वल होगा, पी बाय क्यू के, वेहर पी एंड क्यू आर को प्राइम। की जो पी और क्यू है वो कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। और जो रैशनल नंबर की कंडीशन होती है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू है पी बाय क्यू, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू √2 पी, यही बन जाएगा। अब √2 को ले आते हैं यहाँ इसके डिवाइड में, तो क्यू बाय क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू पी। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ गया क्यू बाय √2 इज इक्वल टू पी, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले हमारे पास था पी बाय क्यू, अब हम यहाँ कर देंगे इसका रिवर्स, यानी कि क्यू बाय पी। वो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्यू है, इस पी को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, क्यू, ये पी यहाँ के हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ रह जाएगा √2 रह जाएगा यहाँ। अब क्यू बाय पी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, और √2 कैसा है, जो एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल में प्रूव हो चुका है, देखिए √2 है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता किसी का भी, तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। और क्यू बाय पी क्या है, रैशनल नंबर है, और √2 है इरेशनल, तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि √2 को क्या शो कर रहा है ये, अगर ये रैशनल है तो ये भी कैसा है, रैशनल, लेकिन ये तो रॉन्ग है, क्योंकि √2 तो कैसा है, हमें पता है √2 तो इरेशनल है। तो कैसे राइट करेंगे हम, वी नो दैट, ये आपको नहीं राइट करना, वी नो दैट क्यू बाय पी कैसा है, क्यू बाय पी इज रैशनल, बट √2 इज इरेशनल, कि √2 जो है वो कैसा है, इरेशनल है। सो 1/√2 इज इरेशनल, क्योंकि देखिए हम लेके चले थे कि 1/√2 कैसा है, रैशनल नंबर। अब रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी बाई क्यू जो पी और क्यू है वो कैसे हैं, कोप्राइम है, कोप्राइम, और जो कंडीशन होती है रैशनल नंबर की, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, पी बाई क्यू था, हमने क्या किया, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर इक्वल आ रहा है किसके, इरेशनल के, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये रैशनल है तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ से, कि √2 भी कैसा है, रैशनल, लेकिन ऐसा तो नहीं है, √2 तो कैसा है, इरेशनल है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा, वी नो दैट क्यू इज इरेशनल बट √2 इज इरेशनल, जो हमें पता है सिर्फ हमें वही राइट करना है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था, अजम्प किया था ना हमने, जो अज्यूम किया था, हमारा जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है, या फिर इनकोरेक्ट हो गई है। सो 1/√2 इज इरेशनल। नेक्स्ट है हमारे पास
सेवन रूट फाइव। सेकेंड पार्ट में समझेंगे ध्यान से, सेवन रूट फाइव। सेम वही लाइन्स हमारी, लेट अस एज्यूम दैट सेवन रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। हम क्या लेके चले हैं इसे, रैशनल लेके चले हैं, सो वी कैन राइट इट। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, सेवन बाय सेवन रूट फाइव को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखिए सेवन रूट फाइव किसके इक्वल है, पी बाय क्यू के। हम यहाँ से इस सेवन को जो मल्टीप्लाई में है कहाँ ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ रह जाएगा रूट फाइव पी, और ये सेवन आ गया यहाँ डिवाइड में, तो सेवन क्यू ये बना हमारा। तो अब देखिए रूट फाइव हम फर्स्ट सम में प्रूव कर चुके हैं कैसा है, इरेशनल। और पी बाई क्यू ये देखिए ये कौन सी फॉर्म है, रैशनल। अब किसी रैशनल नंबर की यहाँ वन से टू से थ्री से किसी से भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा तो रैशनल नंबर ही। सेम कंडीशन हमारी वही आ गई कि जो एक तो है यहाँ इरेशनल और ये है हमारा रैशनल। अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, ये क्या प्रूव कर रहा है कि रूट फाइव कैसा है, रैशनल। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम तो प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट सम में कि रूट फाइव कैसा होता है, इरेशनल। सो कैसे राइट करेंगे इसे फिर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं और यहाँ हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है क्या बनेगा, रैशनल नंबर ही बनेगा। यहाँ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, समझ पा रहे होंगे आप, ये इरेशनल है और ये रैशनल है, तो रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो p एंड q r हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये पूरा अगर सेवन से मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। यानी कि p बाय सेवन q इज रैशनल, ये क्या हो गया रैशनल। अगर ये रैशनल तो इसके सामने वाला भी क्या हुआ, रैशनल। सो रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल, इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ कि रूट फाइव क्या हो गया, रैशनल हो गया। बट वी नो द फैक्ट, हमें तो पता है दैट कि जो रूट फाइव है वो कैसा है, रूट फाइव इज इरेशनल। सो अब ये कैसा आ गया, इरेशनल। सो आवर अजम्पशन जो हमने माना था इज इनकोरेक्ट, वो कैसा है, गलत है। हैंस जो हमारा ये नंबर है सेवन रूट फाइव इज इरेशनल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए सिक्स प्लस रूट टू, सिक्स प्लस रूट टू सेम हमने क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट सिक्स प्लस रूट टू इज क्या लेके चलेंगे, रैशनल। हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। देन वी कैन राइट, किस टाइप से राइट कर सकते हैं इसे हम, सिक्स प्लस रूट टू को अगर रैशनल है तो पी बाय क्यू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये वही सेम हमारी कंडीशन रहेगी। अब हम सोल्व करेंगे, सिक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू है पी बाय क्यू। अब यहाँ देखिए ये प्लस है सिक्स, उस तरफ लेके जाएंगे हम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमारे पास रहेगा रूट टू। यहाँ p बाय क्यू, ये प्लस का सिक्स वहाँ जाएगा तो हो गया माइनस का सिक्स। अब किसी भी रैशनल नंबर में से आप कोई नंबर माइनस भी कर रहे हो तो वो कंप्लीट बनेगा तो रैशनल नंबर ही बनेगा ना। यानी कि ये किस फॉर्म में है, रैशनल नंबर, और ये रूट टू हमने अभी प्रूव किया था कैसा है, रूट टू इरेशनल। तो वही आ गया
रैशनल इक्वल आ गया इरेशनल के। यहाँ से पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ये नंबर क्या शो कर रहे कि रूट टू कैसा है, रैशनल, लेकिन रूट टू तो है कैसा रियलिटी में, इरेशनल। तो जो हमारी अजम्पशन थी यानी कि हमने रैशनल लेके चले थे वो क्या हो गई है, हमारी रॉन्ग हो गई है। तो कैसे राइट करेंगे, वही सेम पी एन क्यू आर इंटीजर्स, कि पी क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। सो पी बाई क्यू माइनस सिक्स, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि पी बाई क्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये नंबर कैसा हो गया, रैशनल। सो रूट टू इज ऑल्सो रैशनल, बट सेम लाइन्स हमने राइट करनी है ये वाली, बट वी नो दैट द फैक्ट दैट, यह रूट फाइव के प्लेस पे क्या आ जाएगा, रूट टू, बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल, कि रूट टू कैसा है, इरेशनल है। सो आवर अजम्पशन इज इनकोरेक्ट, हैंस सिक्स प्लस रूट टू इज अ इरेशनल, ये कैसी हो जाएगी, इरेशनल। तो ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 के 3 पार्ट्स थे, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है इनमें। जो इन्होंने कहा है प्रूव करने के लिए हमने उसका अपोजिट लेके चलना है। इन्होंने कहा है आप कैसा प्रूव करो, इरेशनल, तो हम कैसा लेके चलेंगे, रैशनल। अब हमें पता है रैशनल कैसा होता है, पी बाई क्यू कंडीशन होती है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू को क्या लेके चलेंगे, को प्राइम लेके चलेंगे। देन हमने क्या करना है, उनको रैशनल के फॉर्म में हमने शो करना है, तो हमारी जो अजम्पशन होगी वो क्या हो जाएगी, फिर इनकोरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें ऐसा शो करना है कि ये रैशनल की फॉर्म में है तो इसके सामने यानी कि जो रूट टू रूट फाइव यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनते ये भी किस फॉर्म में दिख रहे होंगे, रैशनल। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा रियलिटी में, जो हमारा फैक्ट है वो क्या है कि जो रूट टू रूट फाइव जो प्राइम नंबर होते हैं अंडर द रूट वो कैसे होते हैं, इरेशनल। तो हमें बस इसे शो करना है अपने अकॉर्डिंग।